Now, I want to go across uh, to a special guest. Uh, uh, you can uh, love her, you can hate her, but you certainly cannot ignore her. And I'm talking about Simi uh, Taparia. Uh, Simi, you're a professional matrimonial consultant, a matchmaker. Simi, a very high premium is placed on how brides look uh, and on their physical attributes. Is that really still the most important aspect for people? नी पीपल गो विद द ब्यूटी एंड विद द कलर एंड दे गेट अट्रैक्टेड बाय दैट लेकिन वॉट आई सजेस्ट टू अद पीपल द डोंट गो बाई दैट यू सी हर एबिलिटीज हर ओवरऑल पर्सनैलिटी हर टैलेंट हर क्रिएटिविटी एंड दिस इट टेक्स इन द लॉन्ग रन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक मैं एग्जाम्पल में देती हूँ कई मेरे क्लाइंट्स बोलते है कि शिवाजी हमको तो एकदम बहुत ही गोरी लड़की चाहिए बट उनको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप दूसरी क्वालिटीज देखिए ये सब तो ठीक है थोड़ा बहुत तो चाहिए ही बट अगर उसका मन सुंदर हो वो एकदम आई मीन घर को सुखी रखे उसमें टैलेंट्स हो उसमें क्रिएटिविटी हो तो वो सभी सब जग को और घर को सुंदर बना सकती है तो दो टैलेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन दिस तो सीमा आपका अनुभव क्या रहा है लड़की कैसी हो दिखने के बारे में लोगों की कैसी कैसी डिमांड या उम्मीदें रहती हैं देखिए जब भी कोई क्लाइंट आता है मेरे पास वो यही बोलता है कि शिवाजी हमको तो ऐसी लड़की चाहिए मेरा बेटा है ऐसा हमको तो सुंदर चाहिए हमको गोरी चाहिए हमको पढ़ी लिखी चाहिए हमको मिन्स लंबी लिस्ट लेके आते हैं बट काफी एक्सपेक्टेशन होते हैं उनके कि हमको ऐसी चाहिए हाइट ये चाहिए फ्रॉम दिस फैमिली फ्रॉम दिस सिटी फ्रॉम दिस कॉलेज तो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होते हैं तो मैं एक ही चीज बोलूंगी उनको कि सभी चीज तो मिलेगा नहीं आप चेक लिस्ट में देख लीजिए आपको 60 70 परसेंट मिलता है तो आगे बढ़ना चाहिए रंग रूप तो ठीक है एक हिस्सा है बट बाकी क्वालिटीज भी आप देखिए उनकी क्रिएटिविटी उनकी स्टडीज वो कैसे वो उनकी अपब्रिंगिंग और कौन से फैमिली बैकग्राउंड से आती है ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है कलर भी ठीक है रंग रूप होता है ट्वेंटी बट दूसरी चीजें भी देखने बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब वी चूज अ ब्राइड और अ बहू और अपने भाभी या जो भी बोलो तो ये दूसरी चीजें देखना बहुत जरूरी है मैं और एक एग्जाम्पल दूंगी एक रिश्ता आया था मेरा साउथ से तो उनके इतने एक्सपेक्टेशंस थे कि हमको हाइट ये चाहिए बाल इस ये इंच का चाहिए कलर ऐसा चाहिए एंड शी शुड बी स्टडीड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी शी शुड बी दिस एज एंड शी शुड बी ब्यूटीफुल एंड शी शुड बी फेयर ये सभी एक्सपेक्टेशन लोग लेके आते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट सब कुछ तो मिलता नहीं है बट ठीक है समटाइम्स सम पीपल आर वेरी लकी तो उनको सब चीज मिल गया इसमें तो आई आई वु से इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए देखिए कि आपको क्या इम्पोर्टेंट है लाइफ में आप बहू लाते हैं तो क्या क्राइटेरिया आपके, आपके आप तो मैच मेकिंग विदेशों में भी करती हैं आ, आपका क्या अनुभव रहा है क्या ये जो एक्सपेक्टेशन है विदेशों में भी एक जैसी हैं या हमारे देश के बाहर अलग है आ, क्या बताएंगे आप देखिए Uh, मैच मेकिंग uh, में पूरे विश्व में लंदन यूएस यूके सब जगह करती हूं बट वहां पे इतना ब्यूटी का नहीं है वहां पे वेवलेंथ एंड मेंटल कंपैटिबिलिटी का है अपने इंडिया में इसका काफी है कि लड़की सुंदर होनी चाहिए गोरी होनी चाहिए एंड हाइट uh, ऐसी होनी चाहिए ये सब क्वालिटीज अपने ज्यादा प्रेशर करते हैं कि ये हमारे क्राइटेरिया में ये सब होना चाहिए बट ये विदेशों में ऐसा नहीं है विदेशों में जस्ट दे डोंट सी द ब्यूटी सी की द गर्ल इज कम्पैटेबल शीज ऑफ हिसप एंड शी आई मीन वेवलैंड मैच होना चाहिए वो सब देखते हैं बट अपने इंडिया में ज्यादा सुंदरता को ज्यादा पॉइंट दिए जाते हैं कलर को भी ज्यादा पॉइंट दिए जाते हैं और मैं सब प्लांट्स को यही समझाती हूँ कि देखिये ब्यूटी कलर इज एकदम छोटी सी बात है बाकी अगर लड़की में गुण हो क्रिएटिव हो सबको सुख सुखी रखे सबको खुश रखे घर बांध के रखे तो उस टाइप की बहू घर में लाना चाहिए ये मेरी एडवाइस है यूथ लोगों के लिए इंडिया में देखिए मैंने ये नोटिस किया है कि अगर कोई लड़की थोड़ी सावली होए तो उसको छोट, जब वो स्कूल डेज में होती है तब से पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई देख तू सावली है तू कुछ कर कलर के लिए तो धूप में मत जा यू अप्लाई सब उपटन एंड ऑल काफी कुछ करते हैं बिकॉज उनको लगता है कि अगर ये थोड़ी गोरी सुंदर होगी तो उसकी सगाई बहुत जल्दी हो जाएगी बट दिस आई आई जस्ट सजेस्ट यूथ दिस इज अ रॉन्ग थिंग उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए अपने को दूसरी क्वालिटीज दूसरे उसकी आदतें दूसरे इसकी अपब्रिंगिंग वो सब देखना चाहिए कलर के ऊपर लड़कियों को इतना प्रेशर नहीं करना चाहिए ये मेरी विनंती है यंग लोगों के लिए यंग लड़कों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए